गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारा अगला जो चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं, इज़ अ एनवायरमेंटल बैलेंस। आस्क द एल्डर इन योर फैमिली एंड टेक यू टू अ रिवर साइड और टू अ लेक और स्ट्रीम। अभी हमारे घर में के जो बड़े लोग हैं उनको हमें लेके जाके, कहाँ लेके जाना है, रिवर साइड में या लेक में और स्ट्रीम में, और उसको हमें आजू बाजू में क्या दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर। तुमने क्या क्या देखा वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करने का। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम। अभी उसमें के कुछ लिविंग थिंग्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसको नोट करने का है। मेक अ नोट एंड नोट ऑफ देम एंड डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर और एक्सेट्रा, और ड्रॉ देयर पिक्चर। काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू यू सी। इसमें के कौन से लिविंग थिंग्स आपने देखे उसको पिक्चर का ड्रॉ करने का है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर योर हाउस इन द स्कूल गार्डन और इन द फील्ड। अभी ये एक्टिविटी कहाँ पे करने के, हमें रिपीट करने के, हमारे नियर हाउस और स्कूल और गार्डन और इन द फील्ड। कैन यू टेल सम ऑफ द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, डिड यू नोटिस एनी साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स थ्रू द लिविंग थिंग्स देम सेल्फ वेयर नॉट सीन। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नोटिस एनी पार्टली ईटन फ्रूट्स और शेल्स, फॉलन फीदर्स, एनिमल ट्रैक्स, डंग, ड्रॉपिंग्स, नेस्ट, ककून, एग्स, हनीकॉम्ब्स एक्सेट्रा। आप क्या क्या देखेंगे वहाँ पे, क्या क्या दिखता हमें कि कुछ आधे फ्रूट खाए हुए हैं, कुछ शेल्स है ना, कुछ फीदर्स वहाँ पे गिरे हुए, कुछ एनिमल के ट्रैक दिखते हैं। ट्रैक है ना, वो जाने का उनका वो जो वे है, वो डंग दिखता है, ड्रॉपिंग दिखते, कुछ नेस्ट दिखते, ककून, एग्स, हनीकॉम्ब्स एक्सेट्रा। कैन यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखते क्या? नो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड, डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग्स देयर। सब अलग अलग टाइप के हमें लिविंग थिंग्स वहाँ पे दिखते हैं। डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग्स एट वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वन। ये सब ठिकान पे हमें ऐसे एनिमल्स या जो अलग अलग जगह पे हम जाते हैं वहाँ पे हमें सब यही टाइप के एनिमल्स और लिविंग थिंग दिखते हैं क्या, ये हमें ऑब्जर्व करने का। द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स जो है अर्थ पे हमें दिखते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स हमें दिखते हैं उसको ही बोलते हैं इज अ बायोडाइवर्सिटी। उसमें सब में वैरायटी है। टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लेसेस साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दे मेक दीज ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट, इन अ डिफरेंट सीजन एक्सेट्रा। दे यूज द स्पेशल डिवाइस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग दैट आर फाउंड अ ग्रेट हाइट और डेप्थ एज वेल एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बेस के ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने इसकी क्या की, बहुत सी स्टडी की, दिन रात उन्होंने उसके बारे में उसकी स्टडी की। तो उनको अलग अलग हाइट के ऊपर, अर्थ के नीचे यानी डेप्थ के, अलग अलग डेप्थ के ऊपर उनको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे। द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टूगेदर एंड स्टडीड अगेन। फिर सब साइंटिस्ट ने जो स्टडी की और वो सब एक ठिकान पे टुगेदर हुए और उन्होंने उसकी और स्टडी की। ओनली वेन ऑल सच एफर्ट्स आर मेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कई सालों से ये स्टडी उनके, उसके बारे में वो एफर्ट भी ले रहे हैं और उसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। कैन वी बी श्योर
of the biodiversity of a place. अभी द एनवायरनमेंट, अभी आज के बारे में, ये चैप्टर के बारे में यही पढ़ाई करने की है, स्टडी करने की है, उसको रीड करने का है. कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे, द एनवायरनमेंट. थैंक यू.